imagine a world with ultimate AI. A world in which everything is controlled by robots. जहाँ पे इंसानों का काम है सिर्फ और सिर्फ उन रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देना. And then everything will be done. Is anyone gonna tell me what kind of world we got here? क्या पॉसिबल है ऐसा सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट करना? और अगर कभी ऐसा एडवांस्ड एआई हम क्रिएट कर भी पाए तो क्या ये मैनकाइंड को बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड कर देगा, या फिर ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऐसे बदल के रख देगा जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते? दिस इज द इल्यूशनिस्ट और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट वुड हैपन इफ एआई कुड कंट्रोल द वर्ल्ड. एट फर्स्ट लेट्स कम टू द रियलिटी. क्या आपको पता है आज के टाइम पे हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक एलेक्सा, चैटबॉट्स एंड इवन फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ असल में रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही माइनर सा पार्ट है. AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है आर्टिफिशियली किसी मशीन में इंटेलिजेंस को क्रिएट करना. पर अभी तक हम जो भी AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाए हैं वो सब हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत ही छोटे छोटे लिमिटेड कामों के लिए यूज होता है. उन सब में इंसानों की तरह सोच के किसी भी काम को खुद से एग्जीक्यूट करने वाली क्षमता नहीं होती. सिर्फ वही काम वो मशीन एग्जीक्यूट कर सकता है जिसके लिए सिर्फ वो मशीन डिजाइन किया गया है. और इसीलिए आज के जमाने के जो कुछ भी AI टेक्नोलॉजीज है वो सब कुछ को कहा जाता है नैरो AI या फिर वीक AI. बट यू नो आवर टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग. सोफिया के बारे में आपको पता है, द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सऊदी अरब का सिटीजनशिप मिला हुआ है. अब जरा सोचिए, एक रोबोट एक कंट्री का सिटीजन, वाओ इट्स अमेजिंग राइट. बट सोफिया इज नॉट एन अल्टीमेट AI. या इट्स ट्रू, ये सिर्फ वीक AI का एक अपग्रेडेड पार्ट है, क्योंकि सोफिया का सिस्टम मेनली स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर बेस्ड है, जिससे वो इंसानों की तरह जोक्स क्रैक कर सकती है, बहुत सारी फेशियल एक्सप्रेशन भी दे सकती है, दूसरों से कम्युनिकेट भी कर सकती है. पर सबसे मेन बात, किसी इंसान के जैसा प्रैक्टिकली सोच के किसी काम को खुद से अंजाम नहीं दे सकती. अगेन लाइक वीक AI, सिर्फ वही काम सोफिया कर सकती है जिसका पूरा इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम के अंदर कोडेड है. सो सोफिया इज नॉट दैट काइंड ऑफ एडवांस्ड AI. या बट डोंट वरी, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट 2040 के बाद इस दुनिया में अल्टीमेट AI का एक नया इंट्रोडक्शन होगा, जो इंसानों की तरह क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, जिसमें फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, डिसीजन टेकिंग और मल्टीटास्किंग एबिलिटी मौजूद हो. एक इंसान अपने लाइफ टाइम में जो कुछ भी कर सकता है वो सब कुछ ये रोबोट्स बड़ी आसानी से कर पाएगा. एंड देन दैट टाइप ऑफ AI विल बी कॉल्ड एज अल्टीमेट AI. पर उसके लिए 20 साल, अभी भी 20 साल वेट करना पड़ेगा. एंड दैट्स टू लॉन्ग राइट. और अब जानते भी नहीं, अगर ऐसा अल्टीमेट AI इस दुनिया में आ भी जाए तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा. बट यू नो, दिस इज द इल्यूशनिस्ट, सो हियर वी आर गोइंग टू मेक एन इल्यूशन अबाउट द फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड वेर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई द अल्टीमेट रोबोट्स. ऐसा सुपर इंटेलिजेंस हम क्रिएट कर पाए हैं जो इस पूरी दुनिया को ऑपरेट कर सके. प्लेनेट अर्थ विल बी कंप्लीटली चेंज्ड. रोड्स, मॉल्स, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, हर जगह सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स दिखाई देगा. हर काम रोबोट्स परफॉर्म करेगा, बट विद अ लो एरर रेट, क्योंकि इंसानों से तो गलती हो सकती है पर AI से कभी नहीं. और अगर बात एडवांस्ड AI की करें तो फिर एक्यूरेसी के साथ साथ ऐड होगा हाई स्पीड. सो हर इंडस्ट्री में एक एवोल्यूशनरी चेंज आएगा. बिसाइड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, डिफेंस और ऐसे कई सारे क्रिटिकल सिचुएशन में इंसानों की जगह रोबोट्स को भेजा जाएगा, एज दे वोंट बी अफेक्टेड बाय द बैड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स. साथ ही ऐसा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट करने से वो रोबोट्स ऐसे ऐसे ट्रिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा जो सिंपली इंसानों के बस के बाहर है.
on a whole. By giving them the control of the world, the whole infrastructure of the world will be systematic, well maintained and wonderfully organized. तो आपको क्या लगता है 2040 के बाद अगर हम एआई को ऐसा अल्टीमेट लेवल पे ले जा पाए और उसके बाद अगर वो ही इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करे तो क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा? इफ यू थिंक यस इट विल बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी वेल देन अभी तक अब जानते ही नहीं ऐसा सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट करने से मैनकाइंड पर क्या क्या असर हो सकता है। Development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Machine is good at knowledge, but human beings are good at wisdom. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot.